कितना दिन ऐसे सहना पड़ेगा, कुछ तो करो। मुझसे सहन नहीं होता, ये दुनिया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या करूं बोलो। चलो ना, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ और दूर जाके घर बसाएंगे। तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, बहुत सुना सुना महसूस होता है। मैं संजीव का क्या करूं बोलो, जब तक संजीव है तब तक। उसे तलाक ले लो, उसे बोलो कि उसके साथ तुम नहीं रहना चाहती, बोलो उसे। बट मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, समझ रहे हो ना? क्या बनेगा वो? अभी तो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, जल्दी आने वाले हैं। मैं आज रात को आ जाऊं? हाँ बिल्कुल, जल्दी आना, हाँ लेट मत करो। सुनो ना। क्या? मेरे पास एक प्लानिंग है। क्या हो गया? क्यों ना हम उसे अपने रास्ते से साफ कर दें। हाँ ठीक होगी, ठीक है, ये प्लानिंग ठीक है। कैसी रही? रीना, ये कौन है? हाँ आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे, अभी कैसे आ गए? वो तो अच्छा हुआ मैं जल्दी चला आया। तुम मेरे पीछे ये सब रंगरलिया मना चिल्लाती हो, वो भी निकालो इसे, निकालो, गेट अप, गेट आउट ऑफ माय रूम। तुम्हारा तो मैं बाद में खबर लेता हूं, चल जाओ अंदर। रीना, रीना, ओहो, ये भी अजीब है, पता नहीं किसी काम का ठंका नहीं है, बुलाने से सुनती ही नहीं है। रीना क्या करती रहती है पता नहीं, ये काम तो ढंग से कर नहीं पाती है। रीना। हाँ भले। क्या कर रही थी? कपड़े धो रही थी। कपड़े धोने की आवाज नहीं सुनाई देता है, पता नहीं किसी काम की नहीं है, सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती है, ये काम ढंग से नहीं करती है। जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। अब ले नहीं सकते थे अपना पानी? तुम क्या करती है? लीजिए, पी लीजिए। ऑफिस में जाना है तुमको, उठो उठो, लो चाय ले आई हूँ, उठो। क्या हुआ? उठो, क्या हुआ? अरे उठ क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ, क्या हुआ? कलकत्ता में, मतलब तो किसने मारा उसको? तुम ही ने मारा होगा। मैंने? हाँ नहीं, मैंने तो नहीं मारा। तो मैं तो सोची तुमने मारा और हमारा काम खत्म। नहीं मैंने तो नहीं मारा। हाँ चलो इसको कहीं इसका ठिकाना लगा देते हैं। कुछ
आप? कल मिस्टर वर्मा का फोन आया था, उनकी जान खतरे में है। वो कहाँ है पता है आप? वो तो घर में नहीं है। घर में नहीं है? और उसने कॉल किया था तो कल? नहीं, वो घर में नहीं है, वो दो दिन से घर में नहीं है। आप झूठ बोल रही है, मैं घर की तलाशी नहीं ले लीजिए। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप घर के अंदर नहीं घुस सकते, आपके पास सर्च वारंट है। सर्च वारंट है मेरे पास, दिखाइए। ये देखिए मेरे पास सर्च वारंट है, ये लीजिए। फिर भी मैं घर में अकेली हूँ, आप नहीं घुस सकते। पुलिस का काम है, दखल अंदाजी मत दीजिए। अब हटिए यहाँ से। लाश, तुमसे कुछ हिसाब छुपा रखा मतलब?